राजधानी दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और इस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिसंबर 2021 में योगशाला शुरू की, इसे केंद्र सरकार ने बंद करा दिया। केंद्र ने अफसरों पर दबाव बनाकर योगशाला पर रोक लगा दी। इस योगशाला से 17,000 से भी ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा है। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया, उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था ऐसा कहा जा रहा है, मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरी देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया, पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर दो, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का, बिना टेंडर के। इसका मतलब इनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं। तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 7-8 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और